एंड ये पड़ा भाई स्क्रीच इसे एंड भाई बाउंस्ड बैक। व्हाट द हेल ब्रो, ये ऐसा कैसे कर सकता है भाई? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यार ऐसे कोई अटैक्स बाउंस बैक हो गए हों। यार ये लूनाला का एबिलिटी है क्या, स्पेशल एबिलिटी? और ये देखो भाई, टॉक्सिक यूज़ कर रहा था क्वैक्सायर, इसे ही वापस दे दिया भाई। वाह यार, सच अ यूनिक एबिलिटी फॉर सच अ यूनिक पोकेमॉन। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोकेमॉन सोर्ड एंड शील्ड के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। और ये एपिसोड होने वाला है एपिसोड नंबर 53। एंड इस एपिसोड में हम अपना लेजेंडरी पोकेमॉन हंटिंग चालू रखने वाले हैं, जिसमें हम ट्राई करेंगे पकड़ने का अल्ट्रा सन एंड मून के लेजेंडरी पोकेमॉन्स सोलगेलियो और लूनाला। एंड दोनों ही लेजेंडरी पोकेमॉन्स भाई दोनों अलग अलग गेम में, एक गेम में अवेलेबल नहीं है ये दोनों। पोकेमॉन शोल्ड में तुम्हारा सोलगेलियो अवेलेबल है और शील्ड में तुम्हारा ये क्या नाम है इसका, लूनाला अवेलेबल है। लेकिन ये है कि भाई प्लेएबल है, अगर तुम शील्ड में पकड़ के उसे शोल्ड में यूज़ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। लेकिन उससे पहले ये डेटा देख लो यार, देखो 90% लोगों ने अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। अरे यार ये कैसी बात हुई भाई, सो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना ऐसे ही पोकेमॉन गेम से रिलेटेड मज़ेदार कंटेंट्स के लिए। एंड यार पोकेमॉन सोर्ड एंड शील्ड गेम में ना बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं, बस एक चीज़ है कि इनको पकड़ने का स्टाइल थोड़ा अलग है। कुछ लेजेंडरीज को हम नॉर्मल स्टोरी मोड के थ्रू पकड़ सकते हैं और मैक्सिमम लेजेंडरीज को हम इस डायनामैक्स बैटल एडवेंचर से पकड़ सकते हैं। यहाँ पे हमें रैंडम 3-4 डायनामैक्स पोकेमॉन से लड़ना पड़ता है, उसके बाद हम एक बॉस पोकेमॉन से लड़ते हैं और वही भाई कोई एक लेजेंडरी टाइप का पोकेमॉन रहता है, वो हमें नहीं पता रहता है देख सकते हो जैसा कि। एंड इस बार हमें साइकिक मिलता है, तो साइकिक टाइप तो शायद से लूनालो और सोलगेलियो दोनों हैं, ऐसे कंफर्म नहीं था, मैं सोच रहा था म्यूटू होगा भाई, लेकिन उसे तो हमने पहले ही पकड़ लिया है। सो मैं इस बार इस पाथ से जाता हूँ क्योंकि मुझे इस पाथ में शायद से एक घोस्ट टाइप दिखा था, घोस्ट ने डार्क पोकेमॉन था। एंड देखते हैं पहला ओपोनेंट कौन सा होने वाला है डायनामैक्स फॉर्म में, और ये है भाई। व्हाट द हेल ब्रो, इंडक्ट्रियोस के कब से भाई हेयर आ गया भाई, कौन सा क्रीम इन्होंने यूज़ किया? लॉल, कोई क्रीम नहीं यूज़ किया, ये अलोलन फॉर्म वाले डिग्लेट्स है, जैसा कि तुम इस पिकाचू को देख रहे हो, ये पिकाचू भी अलोलन वाला है, साइकिक और इलेक्ट्रिक टाइप है। सो चलो यार, हमें डायनामैक्स करने मिल रहा है सो करते हैं डायनामैक्स, लेकिन हमारे पास जितने भी अटैक्स थे सारे के सारे नॉट वेरी इफेक्टिव है। सो ये बैटल, शुरू का ही बैटल मुझे लगता है थोड़ा लंबा हो सकता है, खैर कोई नहीं। एंड लेट्स सी हाउ क्यूट एंड डेंजरस दिस अलोलन राइचू लुक्स। एंड भाई डिज़ाइन देख रहे हो इसका, बहुत यूनिक टाइप का दिया गया है, इसके पूंछ को इसने सर्फबोर्ड बना लिया और इसी से भाई वो ट्रैवल करता है उड़ते हुए एकदम। एंड अलोलन डिग्लेट्स को भी यूनिक टाइप का बस भाई हेयर ही दे दिया। एंड देखते हैं हमारा मैक्स माइंडस्टॉर्म, भाई नॉट वेरी इफेक्टिव में इतना डैमेज दिया, सही है भाई। इन डिग्लेट्स के अगेंस्ट में ना ग्राउंड टाइप अटैक सुपर इफेक्टिव हो गए, क्योंकि मुझे लगता है ये स्टील और ग्राउंड टाइप है, सो बहुत गंदा डैमेज पड़ेगा इन्हें। लेकिन ये क्या भाई, ये तो मुझे ही हाई हॉर्स पावर मार रहे हैं भाई भाई भाई, खतरनाक डैमेज, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक टाइप हैं। एंड अपना टॉक्सिसिटी हाइपर वॉइस मारता है जो कि नॉट वेरी इफेक्टिव रहता। एंड कॉपर जा आयरन डिफेंस, भाई 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 डिफेंस बढ़ा के क्या करोगे यार, इतने बड़े हाथी हो कुचल दो इन डिग्लेट्स को भाई। ये तो पूरा डिफेंसिव मोड में। अरे भाई साइनोटिक को देखो यार, ये रेन डांस कर रहा है, वाह भाई इसे अब बरसात की क्या आवश्यकता पड़ी है। सो ये बैटल थोड़ा लंबा चलता और मैं सोचता हूँ कि यार उन्हें नहीं पकड़ूँ और सो मैं आगे चला जाता, लेकिन भाई डार्क टाइप पोकेमॉन्स तो है इधर, लेकिन हमारे लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि हम साइकिक टाइप भी हैं, सो ये बैटल थोड़ा हार्ड पड़ सकता है। बट वो डिपेंड करेगा कौन सा भाई ओपोनेंट में है, अगर वो थोड़ा मतलब क्या बोले फर्स्ट या सेकंड एवोल्यूशन वाला पोकेमॉन होगा ना, तब थोड़ा इजी पड़ सकता है। एंड ये है भाई, ओ भाई स्कंटैंक है यार, ये डार्क टाइप है, पॉइजन था ना, शायद से दोनों टाइप का होगा। अगर ये पॉइजन टाइप है तो हमारे साइकिक टाइप अटैक डैमेज दे सकते हैं, बट रुको यार ये तो नो इफेक्ट दिखा रहा है भाई, इसे तो रेजिस्टेंस है, लगता है डार्क टाइप है इसलिए रेजिस्टेंस मिल गया। सो अब क्या भाई, मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले इलेक्ट्रिक टेरेन मार लेता हूँ, इसके बाद इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स ना बूस्टेड हो जाते हैं। और भाई अपने डक्ट्रियो ने तो बड़ा ही मस्त वाला मूव यूज़ किया, स्क्रीच मारा जिससे इसका पूरा डिफेंस गिर गया, अब भाई बहुत डैमेज देगा अगर कोई भी अटैक करता है ना उसे, बहुत डैमेज देगा। एंड स्कंटैंक का लुक भाई तो भाई बहुत फियर्स लग रहा है, देख रहे हो कैसा स्टेयर कर रहा है हमें। एंड स्कंटैंक यूज्ड बर्निंग जेलसी, भाई ये सबको हिट कर रहा है, सुपर इफेक्टिव था लेकिन चलो अच्छा है भाई, कम डैमेज दिया। एंड टॉक्सिसिटी से पैरालाइज कर देता है थंडर वेव से। एंड साइनोटिक मून ब्लास्ट यूज़ करता है, भाई ये कम डैमेज देगा हाँ। एंड अब टाइम आ गया है अलोलन राइचू कुछ कमाल दिखाने का, सो मैं यूज़ करता हूँ थंडर बोल्ट, और ये भाई सकर पंच मार रहा था लेकिन फेल हो गया। एंड भाई इतना ही डैमेज यार, हमने उसका डिफेंस भी गिराया और ये ना हुई भाई, देखा तुमने
अलोलन डॉक्टरियों ने भाई क्या डैमेज दिया उसे, और इस तरह हम इजीली भाई इस कंटेंट को हरा देते हैं और कैच भी कर लेते हैं ताकि यार इसे हमें चूज़ करने का ऑप्शन मिले। एंड मैं स्वैप कर लेता हूँ उससे क्योंकि इसके पास डार्क टाइप मूव है एंड हमारा बॉस पोकेमॉन साइकिक टाइप है। सो अब दिख रहा था मुझे वाटर और फायर टाइप, एक जगह तो वेलमर था और फायर में मुझे ये लग रहा था मैगमार, लेकिन फाइटिंग का नहीं पता चल रहा था। सो मैं उस साइड जाता हूँ एंड वाटर और फाइट टाइप पोकेमॉन्स के पास ना कोई डार्क टाइप या मतलब घोस्ट टाइप का अटैक भी नहीं होगा, लेकिन फाइटिंग टाइप्स के पास ना होता है कभी कभी डार्क टाइप अटैक। सो मैं इधर ही आता और ये भाई ये तो पॉलीग्राथ है भाई, वाटर और फाइटिंग टाइप इसके पास हो सकता है अटैक। खैर कोई नहीं, देखा जाएगा। एंड अरे यार हम डायनामैक्स कर सकते हैं, अच्छा है भाई डायनामैक्स हो जाएंगे। और भाई अरे यार इस टाइम अलोलन राइचू रहता तो इसे बहुत डैमेज देता भाई, देख रहे हो अपना लक बहुत ही ख़राब टाइप का लक है। खैर कोई नहीं, डायनामैक्स कर लेंगे तो थोड़े स्टैट्स बढ़ जाएंगे, उसके बाद इफेक्टिव अटैक्स भी अच्छा डैमेज देते हैं, लेकिन देखते हैं भाई। एंड यार पॉलीरैथ भी मेरे पास नहीं है भाई, इसे हम पकड़ सकते हैं, ये बोले तो एकदम डायनामैक्स एडवेंचर एक्सक्लूसिव है। ये डायनामैक्स एडवेंचर में भी ना बहुत क्या बोले भाई, एकदम यूनिक टाइप के पोकेमॉन्स मिलते हैं पुराने जेन वाले भी, जो कि भाई एकदम वाइल्ड एरिया में तुम्हें नहीं मिलेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई, एक पूरे डायनामैक्स एडवेंचर में ना अगर मैं कोई लेजेंडरी पोकेमॉन को हरा देता हूँ सो बस एक ही पोकेमॉन को चूज़ कर सकता हूँ, ये बहुत दिक्कत वाला दे देते हैं यार। ऑफकोर्स भाई सब कोई लेजेंडरी ही चूज़ करेंगे, सो थोड़ा एक्स्ट्रा ग्राइंडिंग करना पड़ेगा ऐसे पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए। एंड इस बार अपने बॉट दोस्त लोग भाई बहुत दिमाग वाला प्ले यूज़ कर रहे थे, वो लोग सबसे पहले या तो इसका अटैक गिरा दे रहे थे या डिफेंस गिरा दे रहे थे। और पॉलीरैथ इस बार मैक्स स्ट्राइक मारता है शाइनोटिक को, देख रहे हो डैमेज ही नहीं दिया। एंड इसके बाद स्वैप करने का ऑप्शन आता, मैं नहीं करता हूँ स्वैप क्योंकि इसके पास कोई ढाक या घोष टाइप मूव्स नहीं थे। एंड ये रास्ते में बेरी भी इसे खा लेते हैं, इसे खाने के बाद हमारे सारे पोकेमॉन्स के हेल्थ थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं अगर ख़त्म हो गए हैं तो। एंड मैं सोच रहा था वो लेक ट्राइव लेजेंडरी पोकेमॉन्स में से कोई होगा युक्सी मैस्प्रिट एजल, लेकिन भाई ये रहता है सन गॉड सोलगैलियो। भाई लुक देख रहे हो यार, सही में भाई खतरनाक डिज़ाइन दिया गया इसे, ये रिजेंबल करता है लायन को ना। हाँ भाई एंड हाँ मैं भाई हम तो इसके प्रे जैसे नज़र आ रहे हैं। एंड देखो यार, अरे फायर टाइप अटैक्स भी इफेक्टिव है, मतलब ये स्टील टाइप है क्या भाई या ग्रास टाइप है, स्टील ही होगा भाई देख के तो वही लग रहा है। एंड चलो सकर पंच मारते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये अटैक भाई फर्स्ट में हिट करता एंड बट इट फेल्ड, भाई क्या अटैक था ये। और हाई हॉर्स पावर भाई ये भी सुपर इफेक्टिव, पक्का स्टील और साइकिक टाइप है ये, मैं जान गया भाई। और ये क्या भाई, इसने तो हमारे सारे अटैक गिरा दिए भाई, अटैक और स्पेशल अटैक। खैर अच्छा है टॉक्सिसिटी थंडर में भाई उसे भी अवॉइड कर लिया यार। सोलगैलियो तो बिल्कुल भाई लेजेंडरी वाला नौटंकी करने लगा भाई, मूव्स इवेड कर रहा है। एंड अरे भाई पॉलीरैथ ने कोचिंग यूज़ करके हमारे जितने भी पोकेमॉन थे पार्टी में उनके सारे अटैक और डिफेंस स्टैट्स बढ़ा दिए, ये सही है भाई। एंड रुक जा सोलगैलियो, तुझे बताता हूँ बर्निंग जेलसी मार के, यार बहुत जेलस हो जा रहा हूँ मैं इसका डिज़ाइन देख के भाई। और भाई अलोलन डॉक्टरियो तो भाई क्या ही कमाल कर रहा है, सारे पोकेमॉन्स को बहुत ख़तरनाक डैमेज दे रहा है लेकिन टॉक्सिसिटी गया भाई। यार ये तो दिक्कत हो जाएगा भाई वन शॉट करने लगेगा तो। खैर अच्छा हमारे पास अभी तीन चांसेस है। एंड भाई सुपर इफेक्टिव अटैक हो के इतना कम डैमेज, यार क्या बात है भाई, मेरे अटैक्स को ज़्यादा ही गिरा दिए क्या इसने, मुझे लग रहा है भाई भाई। एंड फिर से हमारा अटैक और डिफेंस बढ़ जाता है थैंक्स टू पॉलीरैथ। एंड मैं सोच रहा था ना कि पॉलीरैथ के फाइटिंग टाइप अटैक उसे डैमेज देंगे कि नहीं, सो मुझे लगता है ना नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि वो साइकिक और ये है क्या बोलते हैं स्टील टाइप है, सो शायद साइकिक है इसलिए उसे रेजिस्टेंस होगा, जैसा कि इस कंटेंट के केस में था, वो पॉइजन टाइप था लेकिन उसे साइकिक टाइप एकदम इनएफेक्टिव अटैक था। और ये क्या भाई, उसके पास तो फुल मेटल बॉडी है भाई, उसके वजह से उसके हम स्टैट्स लोअर नहीं कर सकते। एंड ये पड़ा सोलगैलियो का मैक्स स्टील स्पाइक, भाई पॉलीरैथ को ये टैंक कर लेगा। हाँ भाई सही है भाई, हमें मारता तो हमारी तो बैंड बज जाती। एंड क्या बढ़ गया यार डिफेंस, अच्छा कोई नहीं। लैश आउट, भाई लैश आउट भी बहुत कम डैमेज दे रहा है यार। लिक्विडेशन, ये भी देख रहे हो डैमेज ही नहीं दे रहा यार। भाई मैं नहीं सोच रहा था कि यार इतना हार्ड हो जाएगा बैटल, शुरू शुरू में लगा कि हम इसे इजीली डैमेज दे रहे थे ना, लेकिन फिर उसके बाद देख रहे हो कितना कम डैमेज दे रहे हैं, सिवाय अलोलियन डॉक्टरियो के कोई नहीं डैमेज दे रहा। सो मारते हैं इसे भाई मैक्स डार्कनेस, वो भी डायनामैक्स करके, इसमें तो भाई डैमेज देना चाहिए और कम डैमेज देता है तो फिर क्या बोले भाई, कुछ नहीं बोल सकते। और भाई अल्ट्रा सन एंड मून गेम का ना मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ पता नहीं है, सो अगर मैं कोई पोकेमॉन बुक
पोकेमोन ये सब का अगर टाइप नहीं बता पाऊँ तो माफ़ करना, या फिर गलत कोई टाइप बोल देता हूँ तो समझ जाना यार। एंड हियर्स अ लायन लुकिंग एट इट्स प्रे एंड हाई हॉर्स पावर, भाई इसका भी डैमेज कम हो गया देख रहे हो। एंड सोल गैली यूज़ करता है नोबल रोर, ये क्या है भाई? अच्छा इससे तो अटैक और स्पेशल अटैक गिर जाता है। इस बार पॉली रात को इसने चुना। एंड बाई मैक्स डार्कनेस, इस बार इसे अंधेरे में, भाई 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 ये हुई ना भाई। इसका हम स्टैट्स लोअर नहीं कर सकते थे लेकिन शायद से पैरालाइज कर सकते हैं, देखते हैं भाई। टॉक्सिसिटी तो ट्राई कर रहा है और भाई चलो पैरालाइज हो सकता है। एंड पॉलीराथ भाई ये कोचिंग ही स्पैम करता रहेगा भाई, पूरा गेम भर इसने कोचिंग किया है। वैसे शुरू शुरू में ना मुझे इस टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन कैचिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि भाई देखो हमें थोड़ा हार्ड पड़ता है बस इन्हें बैटल करने में, लेकिन कैचिंग रेशियो इसका क्या बोले 100% है। कोई भी पोकेबॉल से ये पोकेमॉन्स पकड़ ही लोगे तुम, बस तुम्हें इनको भाई डिफीट करना होगा, जो कि भाई बहुत हेल ऑफ अ जॉब है। सो चलो यार, अपना मैक्स डार्कनेस तो हैवी डैमेज दे रहा है इसे। एंड बॉट लॉन्ग का यही चीज़ मुझे ख़राब लगता है कि एक अटैक से उन्हें पता चल गया है कि भाई इसका स्टैट्स लोअर नहीं कर सकते, फिर भी भाई गधे की तरह वही अटैक यूज़ करेंगे, वही मूव इन्हें मारना है। इतने अटैक्स है लेकिन फिर भी वही मूव यूज़ करते हैं। एंड मुझे पता चला है कि हम एक और लेजेंडरी है अल्ट्रा सरेनून में जिसका नाम नेक्रोजमा है शायद, और उससे हम इसे फ्यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि लूलैंडला को भी। ये चीज़ तो मुझे नहीं पता था, मैं देखूँगा अगर ट्राई करने का अगर हो सकते हैं तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि नेक्रोजमा का मैंने फ़ोटो देखा था भाई, बहुत ओपी टाइप का दिख रहा था। एंड ये देखो ये फर्स्ट टाइम अपना सिग्नेचर मूव यूज़ करता है सनस्टील स्ट्राइक। चलो भाई ज़्यादा डैमेज नहीं दिया क्योंकि हम भी डायनामैक्स फॉर्म में। एंड डक्ट्रियो यूज़ करता हाई हॉर्स पावर, भाई कम डैमेज, बस यार हमारा डैमेज उसे दे। एंड नोबल रोर, भाई हमें ही मार दिया यार, अब तो दिक्कत हो जाएगी। अब शायद और एक मूव लगेगा इसे मारने में, लेकिन देखते हैं मैक्स डार्कनेस का डैमेज भाई। और भाई ये ले भाई, क्या लिखा वो, इतना कम डैमेज। एंड बाकी दोस्त तो हमारे हेल्प ही नहीं कर रहे, ये भाई पहली बार अटैक किया राइजिंग वोल्टेज और 1 HP में छोड़ा। खैर कोई नहीं भाई, पॉली रैथ ने फिनिश कर दिया इसे भाई, ये सही बात हुई, वरना इनके भाई मूव्स देख के तो मैं तंग आ गया था भाई, तभी से देख रहा था तुमने। एक भाई सिर्फ उसके स्टैट्स गिराने पर तुला था और उसे पैरालाइज करने पर, और एक बस कोचिंग ही करता रह गया था। एंड ये फेंका मैंने डायनामैक्स बॉल और ये आ गया भाई सोल गैली उसके अंदर। एंड थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा और ये है और हम इसे पकड़ लेंगे, क्योंकि ये डायनामैक्स बॉल का पावर भाई बहुत है, एकदम मास्टर बॉल की तरह काम करता है भाई। और चलो भाई बस बस हो गया नखरा, एंड चलो यार इसे हमने पकड़ लिया। एंड इसे हम पकड़ते हैं प्रीमियर बॉल में, क्योंकि ये भाई थोड़ा यूनिक टाइप का पोकेमॉन है, इसे एक यूनिक बॉल में पकड़ेंगे। एंड देखते हैं इसका टाइपिंग क्या है। एंड लेवल 70 का है, चेक समरी, साइकिक एंड स्टील टाइप। यार सन गॉड बोल के तो मैं सोच रहा था ये फायर टाइप का होगा, लेकिन भाई स्टैट्स भी बढ़िया है एंड अटैक्स भी ठीक ठाक ही है। मुझे पॉलीराथ भी चाहिए था लेकिन यार अभी कोई चांस नहीं था कि हम उसे चूज़ कर लेते, सो सोल गैलिया को चूज़ करता हूँ बस। एंड सो फार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड कमेंट भी कर देना कि विच वन इज़ योर फेवरेट, सोल गैलियो या लूनाला। और यार पियोनिया से मैं बात करता हूँ और लकीली मुझे लूनाला मिल जाता है, वरना यार हमें उसे रैंडमली खोजना पड़ता है यहाँ जाके। खैर अच्छा है भाई पियोनिया ने भाई हमारी बहुत मदद कर दी। एंड यार इसका शेडो ही देख के भाई मैं फ़ैन हो गया। एंड इस बार कौन सा पोकेमॉन चूज़ करें, ये भी साइकिक टाइप ही होगा ना, सो क्रोडोंट मुझे अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि भाई सोड डांस मारने के बाद लैश आउट मारता हूँ ना तो भाई बहुत गंदा डैमेज देता है क्रोडोंट। खैर देखते हैं भाई इस बार कैसा कर पाता है, क्योंकि पिछले कोई बैटल में मैंने भाई इसे यूज़ किया था, बहुत ओपी हेल्पफुल रहा था वो। एंड इस बार भी साइकिक टाइप दिख रहा है। हाँ भाई इसका सेकंड टाइप क्या होगा यार, डार्क टाइप मून टाइप पोकेमॉन है, तो खैर वो तो एंड में पता चलेगा। एंड कौन सा पाथ चले, इसी पाथ से जाता हूँ, वाटर टाइप पाथ से। ऐसे तो हमारे पास पहले से ही डार्क टाइप पोकेमॉन है, लेकिन मैं फिर भी सोच रहा था अगर इस पाथ से जाएंगे ना तो अगर हम नहीं भी पकड़ते हैं डार्क टाइप पोकेमॉन तो ये जो बॉट दोस्त है ये लोग उठा लेते हैं कोई भी। और फर्स्ट ओपोनेंट मिलता है भाई क्वैक्सायर। क्वैक्सायर मुझे बड़ा ही मस्त पोकेमॉन लगता है भाई, बिल्कुल ही एकदम वाबाफेट तरह का इसका ये है रोल है, एकदम शांत रहता है, लेकिन भाई जब फेशियल एक्सप्रेशन देता है तब भाई देखते ही रह जाओगे इसे। सो मैं सोचता हूँ क्या मारूँ भाई, सोड डांस मारे या मडी वाटर, क्योंकि वो भी वाटर और ग्राउंड टाइप है। सो चलो डायनामैक्स करके मैक्स गीजर मारते हैं। एंड क्रोडोंट अपने डायनामैक्स फॉर्म में भाई अलग ही टाइप का दिखता है यार, उसके तुम छोटे फॉर्म में ना तुम्हें नहीं पता चलेगा कि उसके पास छोटे छोटे हैंड्स भी है, देखना वो देखो भाई, देख रहे हो इसके पास 4 हैंड्स हैं। और उसके छोटे फॉर्म में तुम उसे देख ही नहीं पाओगे, लेकिन डायनामैक्स फॉर्म में ये चीज़ दिखता है।
एंड अपनी टीम का अलोलन रायचू से साइकिंग मारता है एंड अच्छा डैमेज दे रहा था वो, और सीड्रा यूज़ करता है सब्स्टिट्यूट। भाई शुरू से ही डिफेंसिव। क्वैक्सायर थोड़ा टैंकी पोकेमोन है, इससे उतना डरने का बात नहीं है, बस इसे अटैक करते रहो। सो देखते हैं भाई अपना मैक्स गीजर। भाई देखा डैमेज, बहुत मस्त डैमेज दिया। इस तरह का डैमेज अगर मेरे जो बॉट दोस्त थे वो लोग देते ना, तब तो भाई ये बैटल बहुत ही ज़्यादा। अरे रेलिकैन है अपने पास, ये लिक्विडेशन मारता है, ये भी अच्छा डैमेज दिया। एंड क्वैक्सायर देखो एमनेशिया मार के, शायद से इसका स्पेशल डिफेंस बढ़ेगा ना। हाँ भाई वही बढ़ता है। एंड यार क्वैक्सायर को हम हरा देते हैं, बैटल थोड़ा लंबा होता है, मैं उसे नहीं पकड़ता लेकिन कोई अपना फ्रेंड उठा लेता है उसे। एंड इस बार हम जाते हैं डार्क टाइप वाले पाथ में, एंड इस बार ओपोनेंट में रहता है भाई, क्या नाम है इसका, ऑब्स्टागून। यार क्या दिखता है भाई ये, देख रहे हो क्या, कोई बता सकता है ये किसका एवोल्यूशन वाला फॉर्म है? क्योंकि ये कोई बहुत ही अंडररेटेड पोकेमोन का एवोल्यूशन फॉर्म है, वो भी शुरू के जेन से, जेन 1-2 का शायद। सो याद नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, ये जिगजागून, गैलेरियन जिगजागून का भाई एकदम लास्ट एवोल्यूशन वाला फॉर्म है। गैलेरियन जिगजागून इवॉल्व होता है लाइन्यून में, फिर वो इवॉल्व होता है ऑब्स्टागून में। एंड ये भाई एकदम मैड वुल्फ की तरह दिखता है, और रेलिकैन भाई हेड स्मैश मारता है जो कि अच्छा डैमेज दे रहा है। एंड अपना क्वैक्सायर भाई जहर दे देता है इसे। भाई ये सही है, इस बार अपने बॉट दोस्त भाई बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं हमें। एंड इस तरह हम भाई इसे भी बहुत ईजिली हरा देते हैं। एंड मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि भाई इसके पास स्क्रीच था। स्क्रीच मार के अगर हम डैमेज देने का ट्राई मारेंगे ना भाई, बहुत ओपी डैमेज देगा, क्योंकि स्क्रीच से पूरा उसका डिफेंस गिर जाता है। एंड नेक्स्ट पाथ मैं चूज़ करता हूँ ड्रैगन टाइप वाला, क्योंकि ग्राउंड टाइप में मुझे नहीं लग रहा था उतना कुछ खास टाइप का पोकेमोन है, सो मैं इधर चूज़ करता हूँ। इधर अल्टारिया था, इसके पास अगर कोई अच्छा अटैक नहीं भी होगा तो इसके स्टैट्स बढ़िया हैं बाकी अदर पोकेमोन्स के कंपैरिजन में। एंड यार अल्टारिया भाई, कोई बोलेगा ये ड्रैगन टाइप है, भाई मैं भी जब शुरू पता चला था ना मुझे कि ये ड्रैगन टाइप है, मैं तो भाई सही में शॉक्ड हो गया था। बिल्कुल भाई, इतना क्यूट, इतना ब्यूटीफुल पोकेमोन, और ड्रैगन कहाँ भाई, थोड़े फियर्स टाइप में दिखते हैं। सो इसे हम मारेंगे स्क्रीच, पूरा डिफेंस गिरा देंगे, उसके बाद तो भाई पूरा डैमेज देंगे। और भाई सीड्रा को देख रहे हैं, फिर सब्स्टिट्यूट। इसने ना भाई पूरा गेम भर, हर फर्स्ट मूव ये सब्स्टिट्यूट मारता रह गया और अपना हेल्थ लो करता रह गया। एंड अल्टारिया मारता है भाई मैक्स वाइवन विंड, ये किसे मार रहा है भाई, जिसे भी मारेगा हर्ट करेगा। ओ भाई रेलिक्वेंट को तो अच्छा डैमेज दिया इसने, एंड इसके वजह से यार हमारे सारे पोकेमोन पार्टी की भाई अटैक भी गिर गया। एंड रेलिकैंथ हेड स्मैश, भाई डैमेज देखा तुमने, लॉल यार वो रॉक टाइप अटैक था लेकिन इतना डैमेज भाई। और ये कोई फोकस ब्लास्ट मारना चाह रहा था क्वैक्सायर, लेकिन उसे तो अवॉइड कर लिया। सो इसे अब हम थंडर बोल्ट मारते हैं, भाई इसकी तो बैंड बज जाती है। एंड यार वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं ये सारे पार्ट्स मिस कर देता, क्योंकि भाई जो मेन लेजेंडरी को हराने में टाइम लगता है ना, वो खुद भी भाई अकेले 5 से 7 मिनट का टाइम लग जाता है। सो समझ ही सकते हो क्यों मैंने भाई ये स्किप कर देता हूँ वो सारे पार्ट। एंड भाई लुक एट दैट लूनला, क्या ओपी दिख रहा है भाई, बड़ा ही मस्त डिज़ाइन है यार, मैं तो फैन हो गया भाई इसका। एंड अल्टारिया के पास कोई क्लाउड 9 एबिलिटी है, इससे भाई वेदर इफेक्ट हट जाएंगे। सही है यार। सो लैश आउट है हमारे पास, एंड क्या करूँ, डायनामैक्स कर लूँ कि स्क्रीच मार लूँ, भाई स्क्रीच ही मार लेते हैं। डिफेंस गिरा के भाई देखा था ना पिछले टाइम डैमेज कैसा दिया था भाई अल्टारिया को। एंड एज यूजुअल सीड्रा भाई अनोइंग प्ले दिखा के सब्स्टिट्यूट मारता है। लूनला मून ब्लास्ट, भाई भाई ये अटैक इसके पास कैसे आ गया भाई, फेरी टाइप का अटैक भाई, क्या ये साइकिक और फेरी टाइप है भाई, तब तो अपनी वाट लग जाएगी। एंड अपना अल्टारिया भी भाई, अपने सारे पोकेमॉन्स भाई, क्यों लेजेंडरी पोकेमॉन आता है तब डिफेंसिव हो जाते मुझे पता नहीं चलता। एंड क्वैक्सायर कार्ड मारता है, भाई डैमेज ही नहीं दिया यार, ये क्या था भाई। सो मैं चीयर करता हूँ, बोलता हूँ आलतू जलालतू लेजेंडरी को मार तू लेकिन यार मेरे ये चीयर करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, देख रहे हो बेकार में मैंने इतना मस्त वाला राइमिंग वाला पोयम बनाया। खैर कोई नहीं, लूनला स्विफ्ट मारता है सारे पोकेमोन्स को और बहुत कम डैमेज देता है। एंड अल्टारिया यूज़ करता है ड्रैगन पल्स, ये भाई बहुत कम डैमेज दे रहे हैं यार ये लोग, भाई डुबाएंगे हमें भाई इतना थोड़ा थोड़ा डैमेज भाई। खैर कोई नहीं, हम वापस आ गए बैटल में भाई, बस फिर से ना मून ब्लास्ट मारे तब तो भाई गेम क्विट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। सो कौन सा मारे भाई, स्क्रीच मारते भाई फिर से, एक बार इसका डिफेंस गिरा दो ना उसके बाद तो दिक्कत नहीं होगा हमें। ओपोनेंट्स के भी अटैक, ओपोनेंट्स नहीं मतलब कि मेरे साथ जो है ना बंदे लोग, उनके भी अटैक्स इसे डैमेज देंगे। एंड ये यूज़ करता है मैजिक कोट, ये क्या चाहिए भाई। एंड ये पड़ा भाई स्क्रीच इसे, एंड भाई बाउंस्ड बैक, व्हाट द हेल्प ब्रो,
ये ऐसा कैसे कर सकता है भाई, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यार ऐसे कोई अटैक्स बाउंस बैक हो गए हों। यार ये लूनाला का एबिलिटी है क्या, स्पेशल एबिलिटी? और ये देखो भाई, टॉक्सिक यूज़ कर रहा था क्वैक्सायर, इसे ही वापस दे दिया भाई। वाह यार, सच अ यूनिक एबिलिटी फॉर सच अ यूनिक पोकेमॉन। सो यार इसे तो लगता है अब थोड़ा हार्ड पड़ेगा बैटल में। सो क्या मारे भाई, लैश आउट मारता हूँ, देखते हैं कितना डैमेज देता है। मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ ज़्यादा डैमेज नहीं देगा, क्योंकि देख ही सकते हो भाई अपने दोस्तों के इतने कम डैमेज दे रहे, तो मैं कौन हूँ भाई। एंड मैक्स फैंटास्म पड़ा भाई क्वैक्सायर को, गया ये भाई। लूनाला ने तो अपनी बैंड बजा के रखी है यार, देख रहे हो भाई, वन शॉट पे वन शॉट कर रहा है सबको। बट कोई नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, अभी भी होप है। एंड ये क्या, द स्टॉर्म इज़ गेटिंग टू स्ट्रॉन्ग टू विदस्टैंड। भाई अब कोई अगर फेंट होता है तो हम बाहर निकल जाएंगे। ओ भाई, ऑब्स्टागन तो बीस्ट है यार, मैं इतनी देर से क्या स्क्रीज झूठ मूठ का मार रहा था भाई, इतना हैवी डैमेज भाई, वो भी लेजेंडरी पोकेमॉन को भाई, मान गए यार इस लोन वुल्फ को। एंड इतना गंदा डैमेज पड़ा उसे कि भाई ये अपना सिग्नेचर मूव यूज़ कर रहा था, जो कि यार हमें अफेक्ट ही नहीं करता, शायद से वो साइकिक टाइप अटैक था। सो यार चलो डायनामैक्स करते हैं और मैक्स डार्कनेस मार के भाई इसका खेल ख़त्म करते हैं। भाई कभी कभी हमारे पास ही सॉल्यूशन होता है, लेकिन यार हम उस सॉल्यूशन को नहीं देखते, वही चीज़ मेरे साथ हो रहा था। मैं झूठ मूठ कर उसका डिफेंस गिराना चाह रहा था, जबकि यार मेरे एक नॉर्मल अटैक में ही उतना डैमेज पड़ रहा था उसे। एंड यार लुक एट दिस बीस्ट, एंड क्या ही ओपी स्ट्रेडाउन है, देख रहे हो भाई, ऑब्स्टागून स्टेयरिंग एट लूनाला, एंड व्हाट द हेल ब्रो। सीड्रा यार, इसे तो भाई बैन कर दूंगा यार, अब दिखा ना भाई, मुझे इसे पकड़ने का ही नहीं कोशिश करूंगा भाई, पूरा गेम बस सब्स्टिट्यूट मारता रहा है। एंड लूनाला स्विफ्ट मारता भाई, मरना मत भाई, सीड्रा बच गया, सब्स्टिट्यूट के वजह से ही बचा है, अच्छा तो स्मार्ट प्ले कर रहा था बंदा। एंड भाई मैक्स डार्कनेस, और भाई बाय वन शॉट। हाँ यार क्या चैन आया है भाई, मैं डर गया था, क्योंकि भाई और एक कोई भी पोकेमॉन मरता ना भाई, उसके बाद तो हमें फिर से रिस्टार्ट करके मारना पड़ता। ओ वन शॉट नहीं किया था यार, वन एच पी पे छोड़ दिया था मैंने। वाह भाई ऑब्स्टागन, तुम तो थोड़े नोटोरियस निकले। सो इसे भी हम प्रीमियर बॉल में पकड़ेंगे। एंड देखते हैं लूनाला कौन सा टाइप का पोकेमॉन है, साथ ही साथ उसके स्टैट्स भी देखेंगे, लेकिन वो थोड़ा एंड में देखेंगे। एंड गाइस, इसी तरह के पोकेमॉन गेम से रिलेटेड कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। और यार फिर से बता रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा नेक्स्ट मैं लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ूँ। एंड चलो लूनाला को तो हमने पकड़ लिया, एंड इट्स टाइम टू सी इट्स टाइपिंग। एक तो साइकिक टाइप है ये पता है, और सेकंड टाइपिंग क्या है भाई, चेक समरी। एंड ये है साइकिक और घोष टाइप, वाह यार यूनिक कॉम्बिनेशन है, एंड देख के तो स्पेशल अटैकर जैसा लग रहा है। एंड सो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन द गुड्स द बाइज़।